वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विदर में समय स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 28 सितंबर, एपीओ मुख्य परीक्षा आवेदन शुरू, यूपीपीएससी मेंस 2022 शुरू, यूपीपीएससी परिणाम, एसएससी न्यूज, बीएड काउंसलिंग प्रवेश, असिस्टेंट प्रोफेसर परिणाम संशोधित, 6800 शिक्षक भर्ती, ईडब्ल्यूएस आरक्षण फैसला सुरक्षित और एचपी एसएससी 1647 पदों पर भर्ती। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना पर चलते हैं। एपीओ मेंस, जी हां, एपीओ मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए मंगलवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 अक्टूबर तक पूरी करनी है, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी 19 अक्टूबर तक जमा करनी है। एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा 21 अगस्त 2022 को प्रदेश के दो शहरों प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित की जाएगी। एपीओ के 69 पदों पर भर्ती के लिए 64,100 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और उनमें से 33,315 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल हुए थे। 23 सितंबर को जारी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में 1,079 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है, जो अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार अभ्यर्थियों के फॉर्म सेट ऑनलाइन भरने हैं और फीस भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। आवेदन में त्रुटि होने पर एक बार संशोधन का मौका मिलेगा। यह प्रक्रिया 12 अक्टूबर तक पूरी कर लेनी है। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म सेट मुद्रित कर समस्त संलग्न को साथ 19 अक्टूबर को 5 बजे तक इसमें सभी पंजीकृत डाक से भेजना है या आयोग से पूछताछ काउंटर पर जमा करना है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है पीसीएस मेंस को लेकर के है। पीसीएस मेंस में के एग्जाम पीसीएस मेंस शुरू हो गया है। पीसीएस मेंस में डीएम बनकर तैयारी की प्रपत्र, सामान्य हिंदी का पेपर अभ्यर्थियों को लगा सामान्य, मुहावरों में छकाया भर्ती, क्षेत्रीयता एक राष्ट्रीय एकता पर आया निबंध। पीसीएस 2022 का जो मेंस है वो कल से शुरू हो गया है। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा पहले दिन यानी मंगलवार को सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर अभ्यर्थियों को सामान्य लगा। ज़्यादातर सामान्य परंपरागत प्रकार के रहे। सामान्य हिंदी के पेपर में कुछ नए मुहावरों को छकाया, वहीं निबंध के लिए निर्धारित विषय परंपरागत प्रकार के रहे लेकिन समसामयिक भी रहे। पहले दिन 92% उपस्थिति रही और फिलहाल मेंस जो है कल से शुरू हो गया है। और पहले दिन हिंदी पेपर हुआ और निबंध का पेपर हुआ। अगली महत्वपूर्ण सूचना है UP SSC को लेकर के है। UP SSC जो सीधी भर्ती कर रहा है, इसमें मेडिकल कॉलेजों में 7 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी के 10 पदों में से 4 पदों पर स्नेह गुप्ता, 7 लोगों को घोषित कर दिया गया है फिलहाल। अगली महत्वपूर्ण सूचना है जूनियर असिस्टेंट ट्रांसलेटर परीक्षा को लेकर के है, जिसमें 344 जिले में 344 अभ्यर्थी। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर ट्रांसलेटर परीक्षा 2022 1 अक्टूबर को होगी। देश में कुल 10,292 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, जबकि मध्य क्षेत्र में कुल 1774 अभ्यर्थी शामिल परीक्षा में शामिल होंगे। मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान के मुताबिक यह परीक्षा 2 घंटे की होगी। तो फिलहाल जूनियर जो ट्रांसलेटर की परीक्षा है वो अब होने वाली है। बीएड की काउंसलिंग शुरू हुई हो गई है। बीएड काउंसलिंग के लिए पहले दिन 206 प्रवेश, यानी उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड काउंसलिंग के पहले दिन ओपन कैटेगरी, ओपन फीमेल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 206 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिए। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022-23 के संयोजक प्रोफेसर पीके पांडे के अनुसार काउंसलिंग के दौरान ओपन कैटेगरी के 131 अभ्यर्थियों और ओपन महिला वर्ग में 22 अभ्यर्थियों और ईडब्ल्यू श्रेणी के 33 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए गए। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की शुभकामनाएं भी दी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर गणित का परिणाम संशोधित करने का आयोग का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स भर्ती परीक्षा की ओमआर सीट के मूल्यांकन में हुई त्रुटि को संशोधित करते हुए रिवाइज रिजल्ट शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह ने अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका का कहना था कि परीक्षा में उसने 42 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे, इस हिसाब से उसे कम अंक मिले हैं। उसकी ओमआर सीट का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया है, जिसमें
सही उत्तरों के अंक उसे नहीं मिल सके। आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि इस प्रकार की त्रुटियां कई विषयों के सामने आई हैं, आयोग इन त्रुटियों को दूर करके संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना 6800 भर्ती को लेकर के है, 6800 भर्ती को लेकर के है। 6800 शिक्षक भर्ती छात्र नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग, लखनऊ में मंगलवार को 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। वे शिक्षा मित्र के आवास पर घेराव करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें बीच में ही रास्ते में रोक लिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि 5 जनवरी को 100 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बावजूद अभी तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। ये छात्र दर दर भटक रहे हैं, कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं उच्च मंत्रियों से, शिक्षा मंत्रियों से मिल रहे हैं, मगर इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अगली महत्वपूर्ण सूचना ईडब्ल्यूएस को लेकर के है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर कल सुनवाई समाप्त हो गई है और फैसला सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखते हैं क्या फैसला इस पर आता है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है, वो है HPSSC ने जारी किया है 1647 पद। असिस्टेंट मैनेजर, लैब टेक्नीशियन इत्यादि पदों पर भर्ती है ये। यहाँ पर देख लीजिए, इसकी पदानुसार न्यूनतम आयु 18 से 21, अधिकतम 26 से 45 वर्ष है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दिया जाएगा। पात्रता में उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के पदानुसार मैट्रिकुलस एंड इंटरमीडिएट, BSc, BCom, MCom, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अन्य निर्धारित पात्रताएँ, कार्य अनुभव होना चाहिए। चयन के लिए पदानुसार लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और लॉजिक आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। आवेदन की अंतिम तिथि अभ्यर्थी 29 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो ऑनलाइन शुल्क है वो 360 रुपये है और इसका जो इसकी जो जो आधिकारिक वेबसाइट है वो www.hpssb.hp.gov.in पर जाकर आप लोग अपना आवेदन भर सकते हैं। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए होते हैं, फिर से मैं आग्रह करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।